चावल का आटा बनाएंगे। उसके लिए अंबे मोर चावल लिए मैंने। आप कोई भी चावल का आटा बना सकते हो, टुकड़ा बासमती भी यूज कर सकते हो। अंबे मोर की खुशबू बहुत अच्छी आती है और चावल का आटा आप बहुत सारे रेसिपीज में यूज कर सकते हो। तो पहले हम ये राइस को अच्छे से साफ करेंगे, अगर कुछ कंकर है तो वो सब क्लीन करेंगे। उसके बाद इसे दो बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। में निकाल के सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। फिर एक कॉटन का या कोई भी ऐसा क्लॉथ लेंगे, ये कॉटन का दुपट्टा भी होगा, वो भी आप यूज कर सकते हो। अच्छे से वॉश करके आपको ये यूज करना है। अभी राइस ड्रेन हो गया है, पानी सारा निकल गया है, उसको हम इसके ऊपर ऐसे सुखाने के लिए डाल देंगे और अच्छे से ऐसे फैला लेंगे। आप घर में ही फैन के नीचे ये चावल, अगर आपके यहाँ सनलाइट आता है तो आप सनलाइट में भी धूप में भी आप चावल सुखा सकते हो और सिर्फ 2 दिन में ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। राइस अच्छे से ड्राई हो गए हैं, आज नेक्स्ट डे है और अंबे मोर की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ गर्म करना है ताकि अगर कुछ मॉइस्चर होगा तो वो भी निकल जाए। राइस गरम हो गए हैं, सिर्फ 1 मिनट आपको इसको गरम करना है और गैस बंद कर देंगे और अब इसे एकदम ठंडा होने देंगे। एकदम ठंडा होने के बाद ही इसे ग्राइंड करना है। राइस एकदम ठंडे हो गए हैं, अभी हम इनको ग्राइंड कर देंगे। बारीक चाहिए और फिर उसके हिसाब से ग्राइंड कर सकते। ऐसे ही सारा ग्राइंड करके राइस स्टोर कर लेना है स्टील के डब्बे में और आप ये राइस के आटे से इडली, डोसा, राइस बाकरी, चकली और पकौड़ों में थोड़ा सा आप आटा डालोगे तो पूरे पकौड़े बनते हैं। ऐसे बहुत सारी डिशेज में आप राइस का आटा यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चावल का आटा रेडी हो गया है। अभी आप ये आटा बहुत सारे रेसिपीज में यूज कर सकते हो। आप 2-3 किलो एक साथ भी बना के स्टोर कर सकते हो, बिना कोई मिलावट और बिना कोई प्रिजर्वेटिव के होममेड राइस फ्लावर।